तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बीए का रिजल्ट कैसे देख सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर अपने फ़ोन से ओपन करना होगा। तो चलो ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपको गोंडवाना यूनिवर्सिटी ऊपर लिखना होगा। लिखने के बाद बहुत सारे आपको लिंक्स वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन स्टूडेंट लॉगिन गोंडवाना यूनिवर्सिटी गढ़चिरौली वो आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से पेज आपको दिखाई देगा, तो वहाँ पर PIN नंबर आपको डालना पड़ेगा। तो चलो मैं PIN नंबर डालता हूँ, कॉपी कर लिया था मैंने, पेस्ट कर देता हूँ। तो उसके बाद पासवर्ड में आपको अपना नंबर नहीं डालना है दोस्तों, अपने मदर का नेम डालना है। तो चलो मैं ये डालता हूँ, और बड़े साइज में आपको लिखना है, कैपिटल में वो लिखना है। लिखने के बाद लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से पेज आपको दिखाई देगा दोस्तों, लेकिन रिजल्ट आपका शो नहीं होगा पहले। तो ये देखो आपका यूज़र इन्फॉर्मेशन पहले देख लेने के बाद आपको जाना है स्टूडेंट प्रोफाइल में। स्टूडेंट प्रोफाइल में जाने के बाद आपको बहुत सारे सेमेस्टर के आपके रिजल्ट शो होंगे दोस्तों आपको, लेकिन पूरे सब्जेक्ट वहाँ पर आपको शो नहीं होंगे। तो इसीलिए आपको शो रिजल्ट्स में जाना है। तो मैं ऊपर वाला सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर है मेरा, तो वो मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों आपका पूरे सब्जेक्ट का रिजल्ट आपको शो हो जाएगा दोस्तों। ये देखो मेरा रिजल्ट दिख रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से अपना रिजल्ट देख सकते हो दोस्तों। और गोंडवाना यूनिवर्सिटी की मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, तो आप वहाँ से भी अपना रिजल्ट बहुत आसानी से देख सकते हो दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये आज का छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। बाय बाय।